नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। आप में से जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश को हो या उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हो, एक नया नोटिफिकेशन आया है यूपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये नोटिफिकेशन जो है नीट यूजी के काउंसलिंग के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट updgme.in, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी के एडमिशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, यहाँ पर एक नया नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पर काउंसलिंग और अलॉटमेंट के नीचे सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है उसे हम खोल लेते हैं। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग यूपी नीट 2019 काउंसलिंग अपलोडेड ऑन 18/6/2019, यानी आज जो है यह अपलोड हुआ है। हम जो डिटेल है वह देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है, सबसे पहली बात नोटिफिकेशन में यह दी गई कि काउंसलिंग का प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 21/6/2019 को शुरू होने वाला है, यानी 21 जून 2019 को फर्स्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए और लास्ट डेट जो है 24 जून 2019 को। और दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ करना है। रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट upneet.gov.in है, यह ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस यहाँ पर 2000 रुपया है उत्तर प्रदेश के स्टेट में। तो अगर आप यूपी के डोमिसाइल हो या बाहर के स्टूडेंट हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है उत्तर प्रदेश का, तो आपके लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ओपन रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए, फ़ीस और बाकी सब डिटेल एक बार चेक जरूर कर लेना। यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में। अब देखते हैं यूपी के ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो है upneet.gov.in। यह अभी तक ओपन नहीं हुआ है, 21st को ओपन होगा। 21st को आपको रजिस्ट्रेशन यहां पर कर देना है। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो, तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।